यही वही था कि मैं सिंगर बनूं। मुझे नहीं पता था एसिड क्या होता है। मैं उस टाइम पे 12 साल की थी और मैं घर से बिल्कुल भी नहीं निकलती थी बाहर और बहुत सहमी टाइप की लड़की थी। मैं रहती थी गोल्फिंग में 42 में और वो लड़का 45 में वो काम करते थे आके। तो मेरा भाई खेलने के लिए जाता था तो उनसे भैया भैया करके बोलता था, उनके साथ खेलता था इस तरीके से। तो उनके पास कुछ ऐसा सेलफोन वगैरह था जिसे वो बेचना चाहते थे और मेरा भाई छोटे में ही उसको इतना इंटरेस्ट था, पापा मुझे चाहिए चाहिए। हाँ हाँ बेटा, मैं अंकल से वही बात कर रहा हूँ, आपके फोन के लिए बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं अंकल, जो आप ठीक समझे दे दीजिए। फिर उनकी सिस्टर से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई मेरी। मैंने मेरे पापा ने मुझे कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करवाया था। मैंने फर्स्ट टाइम एक लॉन्ग सूट पहना था और फर्स्ट टाइम अब बाल बाल खोले थे, पहली बार ऐसा हुआ था। और फिर मैं इंस्टीट्यूट जा रही थी। अरे लक्ष्मी। अरे भैया। कहाँ जा रही हो? इंस्टीट्यूट जा रही हूँ। अच्छा चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं भैया मैं चली जाऊंगी। अरे चलो छोड़ देता हूँ। ठीक है भैया। और ये सूट कहाँ से लिया? क्यों भैया? सही लग रही है। बस कहने के लिए छोटी हो, बड़ी हो गई। अच्छा भैया मैं जाती हूँ। अच्छा ठीक है, वापस खत्म करके आओ, मैं तुमको यहाँ मिलता हूँ। अच्छा और वो लौंडा कौन था जिसे तुम बातें कर रही थी? हा? अच्छा वरुण यहाँ नया आया है, बस कुछ पूछ रहा था। ये नया वाया कुछ नहीं होता, ये सारे लौंडे खेले खाए हुए हैं। नहीं भैया मैं तो ऐसे ही। और ये भैया भैया किसको बोल रही हो? नाम लीजिए मेरा। भैया मैं। फिर भैया। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए कुछ लाया? नहीं भैया। तो झुमके पहने क्यों जो मैंने तुमको दिए थे? नहीं भैया मुझे अच्छे नहीं लगते। उस टाइम पे 13 साल की थी और उन्होंने जब मुझे प्रपोज किया था और वो 32 साल के थे और मैं जब जैसे ही उन्होंने प्रपोज़ किया मुझे, मैं एकदम हैरान हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम परेशान भी हो गई थी। और मैं उनको भाई की ही नज़र से देखती थी, शुरू से ही भाई भाई करके देखती थी। मना किया था उन लौंडों से बात करने के लिए? हाँ मना किया था कि नहीं? सॉरी भैया। भैया क्या लगा रखा है? कल मैसेज जो भेजा था उसका जवाब क्यों नहीं आया? जवाब क्यों नहीं आया? मैं आपको अपना भाई समझती हूँ। मैसेज किया उन्होंने मुझे तो मैंने उनका कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर उसके बाद उनका फिर अगला मैसेज आता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, मुझे अभी और इसी वक्त इसका जवाब चाहिए। तो मैंने उसका जवाब कुछ भी नहीं दिया। तो इसीलिए नहीं बता पाई,
क्योंकि मुझे डर था कि मेरी मम्मी पापा वैसे ही उन्होंने मेरे घर पे इतना कुछ मेरे बारे में गलत गलत बोला था और मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं कुछ भी ऐसा बोलती पता नहीं मतलब मम्मी पापा कैसा रिएक्ट करते या मुझे मारते और वो कहीं मुझे भेज नहीं देते या मेरी नानी के घर पे। के बाद मैं धीरे धीरे करके इंस्टीट्यूट जाना ही फाइनली मैंने इंस्टीट्यूट भी छोड़ दिया जाना। उस टाइम मेरे स्कूल की छुट्टियां पड़ने वाली थी तो मैंने अपनी मम्मी को यही कहा पापा को भी कहा कि मुझे बाहर निकलना है थोड़ा जॉब करना है तो पापा मम्मी ने करंट एकदम ही मना कर दिया कि नहीं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद बहुत मनाया लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। तो खान मार्केट में एक बुक शॉप है वहाँ पे लगी थी मैं। बुक शॉप पे इसलिए भी लगी थी क्योंकि काफ़ी चीज़ों का एक्सपीरियंस होता मुझे। मेरे को 15 दिन भी नहीं हुए थे उस बुक शॉप पे। जब मैं वही खान मार्केट से हर दिन की तरह ही जा रही थी उसके बाद वो और उनके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड दोनों आए बाइक से और वो मेरा पीछा ही कर रहे थे। पता ही नहीं चला ना अचानक से बेहोश हो गई और मुझे पता ही नहीं चला मेरे साथ हुआ क्या। और मैं जैसे ही उठी फेस बहुत बड़ा हो चुका था और आंखें बहुत अंदर जा चुकी थी। जब मुझे होश आने लगा था धीरे धीरे करके तो अचानक से ही मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझे जिंदा जला दिया। वहाँ पर मैं तड़पती रही इतने लोगों ने मुझे घेर रखा था लेकिन किसी ने मदद के लिए आगे आया ही नहीं कोई। क्या तुम्हारा बेटा नाम क्या तुम्हारा? बट एक अंकल है अरुण से वो आए उन्होंने मुझसे पूरी बात पूछी कि तुम कहाँ रहती हो क्या हुआ ये मैंने उनको बताया। उन्होंने PCR को बुलाया उसके बाद वहाँ पे एडमिट किया मुझे। कटते के साथ ही 20 बाल्टी पानी डाला गया मेरे ऊपर। और मेरे पापा पीछे आए मैंने अपने पापा को गले लगा तो मेरे पापा की पूरी शर्ट भी जल गई इतना पानी डालने के बाद भी। एक खूबसूरत सा एहसास कुछ कर गुजरने की आसुम थी मैं अपनों की मैं रानी पर थी खुशियों की बरसात थी। एक सुबह जो मैं निकली घर से वो काली रात बंसी गई। एक बुरे साए की मैं ख्वाहिशों में आकर आईने से मैं बिछड़ सी गई। आईने से मैं बिछड़ सी गई। उस जहर की बॉटल ने मुझे को जला दिया इस खूबसूरत इनायत को पल में मिटा दिया। For fearless advocacy on behalf of victims of acid attacks,
and for bringing hope to survivors of gender-based violence and disfigurement, we name Laxmi a woman of courage.